أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء

उनको देख कर खुशी होती है उनके शौक़ को देख कर खुशी होती है और माशाला आप मेजोरिटी ही जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आप सबका आना अल्लाह कबूल फरमाए अपनी सारी मसरूफिया के साथ इस क्लास को अटेंड करना और इसमें इंटरेस्ट लेना और जो सिखा रहे हैं उसको जिस तरह से आप शौक़ से सीख रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसे आपके दिल में जमा अमल करने वालों में शामिल कर ले और ये इल्म आपके काम आए आपकी औलाद के काम आए और आपकी पूरी फैमिली इस नॉलेज से इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो आमीन। आज का जो टॉपिक है वो फैमिली के ही ऊपर है यानी अतः रहमी या सिलत और रहम रहम के रिश्तों को जोड़ना शुरू करते हैं मैं स्लाइड पहले शेयर करती हूँ सिलत रहम यानी टाइज ऑफ किनशिप ये हमारा आज का टॉपिक है ये सारी हसन अखलाक के टॉपिक ज्यादातर तो वो हैं जिसके बारे में हम पढ़ के कहते हैं हाँ हमें पता है लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी मैं तो कहूँगी हम सब इंक्लूडिंग मी सब कुछ पता होने के बावजूद जब अमल का मामला आता है तो हम से कोताहियाँ होती हैं हम वीकनेसेस दिखा जाते हैं कहीं कहीं गुना सगीरा होते होते कबीरा बन जाता है और कहीं कबीरा गुनाह पे हम इसरार कर बैठते हैं जानते बूझते फिर उसको करते चले जाते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि ऐसे हालात थे और ये मजबूरियां थी तो इसीलिए जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं उसको हम एविडेंस के साथ लेते हैं कुरान और हदीस से कि ऐसी सिचुएशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था आपके सहाबा का अमल क्या था अल्लाह ताला ने हमें कुरान में उसका सलूशन क्या बताया है और जिस चीज से बिल्कुल कतई तौर पर रोक दिया है उससे हमने रुक जाना है देख लेते हैं इसके बारे में मजीद। सुरह अन्निसा की आयत सबको ही आई थिंक याद होगी शुरू ही होती है अन्निसा सारी इंसानियत से खिताब है ओ मैन फियर योर लॉर्ड अपने रब से डरो हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल सोल जिसने तुम्हें सिर्फ एक जान से पैदा किया एंड फ्राम इट क्रिएटेड इट्स मैच और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया आदम और हवा एंड मैनी फ्रॉम द टू और फिर बहुत सारे मर्द और, और औरत यानी इंसानियत आगे बढ़ती चली गई उन दोनों से तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ क्या कहे जा रहे हैं जब रिश्तों की बात आ रही है बार बार आ रहा है फियर अल्लाह फियर अल्लाह इन हुज नेम यू आस्कर फॉर योर राइट्स जिस अल्लाह का नाम लेके तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो उससे डरो एंड फियर वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वूम रहम के रिश्तों की वायलेशन उनके हुकूक की हक तलफी से डरो श्योरली अल्लाह इज वॉचफुल ओवर यू और अल्लाह देख रहा है वो निगरान है यानी यहीं से डर कायम हो जाना चाहिए हमारे दिलों में इस में अल्लाह ताला ने इस तरह एड्रेस किया कैसा है कैसा खिताब है ये रहम के रिश्ते अल्लाह का नाम ले ले कि हम एक दूसरे से अपने हुकूक मांग रहे होते हैं तो वहां पे अल्लाह से डर के मामला करना है हम वहां लोगों से डर रहे होते हैं लेकिन रिश्तों में मामला हमें अल्लाह से डर के करना है ये बहुत बहुत सेंसिटिव मामला है जिससे हमारी सारी दुनिया की नेकियां नेक अमाल जाया हो सकते हैं और हमारी आखरत खराब हो सकती है क्योंकि फैमिली जो है इस्लाम में उसकी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसरा फैमिली को कहते हैं इसका जो रूट वर्ड है उसी से ये बात पता चलती है कि द वर्ड इज इव थ्रू वर्ड्स दैट डिनोट यानी इस्लाम में फैमिली का मतलब ही है फैमिली आप इसलिए नहीं बनाते कि आइसोलेशन में चले जाएं, सिर्फ अपनी जात की फिकर करें सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचें नहीं सबको जितने को रहम के रिश्ते हैं उसमें यूनिटी के साथ उनकी हिफाजत के साथ उनको जोड़ कर चलना है फिर फैमिली में रहम के रिश्ते क्या होते हैं अब ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आज की इस क्लास में अपना क्लियर कर लें बहुत से लोगों को नहीं पता होता के रहम के रिश्ते कहाँ तक जाते हैं ठीक है द वर्ड अर को बोला जाता है माँ माँ का जो वो है वो क्या है वो रहम है तो ए, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है ये अल्लाह ताला का नाम है अर रहमान जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा रहम करने वाला बहुत मेहरबान और ये हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह ताला ताला हैं कि मैं अच्छा ताल्लुक रखूंगा उसके साथ हु कीप गुड रिलेशन विद यू किससे फरमाते हैं अल्लाह ताला ये रहम से फरमाते हैं कहा जाता है जब अल्लाह ताला ने सारी सब जो क्रिएशन है उसकी उसको मुकम्मल तौर पर पैदा कर दिया तो अल्लाह का जो थ्रोन है अर्श है उससे ये रहम लटका हुआ है और उससे अल्लाह ताला ये एड्रेस करके कह रहे हैं कि जो तुझसे जोड़ेगा मैं उससे जोड़ूंगा एंड सेवर द रिलेशन विद हिम विल रिलेशन विद यू जो तुझसे काटेगा मैं उससे काटूंगा तो अगर, अगर अल्लाह ताला फिर हम कोई रिश्ता काट के बैठे हैं, तो अल्लाह ताला हमसे रिश्ता अगर काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे अल्लाह ताला के वजूद उसकी ताकत और उसकी रहमत उसकी दी हुई बरकत के साथ हम जिंदा हैं वो रिश्ता कट गया तो हम दुनिया में रहने के लायक नहीं है और आखरत भी खराब तो ये बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं कि जो उससे रहम के रिश्तों से काटेगा अल्लाह ताला उससे काटेंगे तो जैसा कि मैंने कहा रहम वोम को कहते हैं तो जो रिश्ते इससे बनते हैं उनको हमने अपहोल्ड करना है जोड़ के रखना है डोंट कट द रिलेशन ऑफ द वोम अब वोम यानी रहम के रिश्ते होते क्या हैं अभी इस पे देख लेते हैं बात निसा में, अभी मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी है तो सबसे पहली एविडेंस तो यहीं से पता चलती है कि रहम के रिश्ते होते हैं यहाँ पे उन्हीं को नहीं काटना इसकी बात की गई है क्या होते हैं वहम के रिश्ते अब इसको समझ ले देखिए दो टाइप्स के रिश्ते होते हैं। एक होते हैं अरहाम अरबिक में रहम प्लूरल है अरहाम और एक होते हैं असहार असहार वो होते हैं जो शादी के बाद डेवलप होते हैं वो रिश्ते हाम जो होते हैं वो बाय बर्थ डेवलप होते हैं ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं तो इसमें क्या क्या आता है अरहम में ब्लड रिलेटिव्स ऑन योर मदर्स एंड फादर्स साइड्स जितने भी माँ की तरफ से ब्लड रिलेशन है और जो बाप की तरफ से ब्लड रिलेशन है ये सब अरहाम में आते हैं इसके बाद एज फॉर द वाइफ्स रेलेटिव दे आर नॉट्रेड और अरहम फॉर द हजबेंड यानी जो बीवी की तरफ से रिश्ते हैं वो शोहर के लिए अरहम में शामिल नहीं होंगे मतलब शोहर ये नहीं कह सकता कि मेरी बीवी का जो भाई है और जो मेरी बीवी की जो बहन है वो मेरे लिए रहम का रिश्ता है इसी तरह बीवी ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर का जो भाई है वो मेरे लिए रहम का रिश्ता है तो रहम के रिश्ते मियाँ बीवी के केस में रहम के रिश्ते नहीं कहलाते लेकिन सपोज मैं हूं तो मैं अपने फादर की तरफ से जो ब्लड रिलेशन हैं वो मेरे अरहाम हैं और जो मेरी मदर की तरफ से मेरे ब्लड रिलेशन हैं वो मेरे अरहाम हैं लेकिन मेरे शोहर के रिश्तेदार मेरे अरहाम नहीं हैं ठीक है सिंपल सी बात है द क्लोजेस्ट ऑफ दम फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस रखी है अल्लाह ताला के बाद जो सबसे क्लोज इंसानों में रिश्ता है वो माँ बाप का है तो इसलिए अरहाम का जब हुक देने की बात की जाएगी तो सबसे पहले माँ बाप आएंगे द क्लोजेस्ट ऑफ देम आर फादर्स मदर्स फिर ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी ना, 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 चिल्ड्रेन अपनी औलाद एंड देयर चिल्ड्रेन पोता पोती नवासे नवासी

आते हैं तीन तरह की ओपिनियंस पाई जाती हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं जो वाइडली स्प्रेड ओपिनियन है जो वाइडली एक्सेप्टेड ओपिनियन है तो उसमें इस हिसाब से ये सारे रिश्ते अरहाम में आते हैं और बस जगह ये भी पता चलता है एक अल्फाज है एक हदीस के आप अलैहि वसल्लम ने एक दफा सब से यानी कुरैश के लोगों से ये बात फरमाई कि तुम्हारा लीनिएज वो जब वो फतह करने के लिए जा रहे थे कि इजिप्ट तक जाता है क्यों जाता है क्योंकि सारे जो अरब हैं उनकी मदर कौन है बीबी हाजरा तो उनका ताल्लुक कहाँ से था तो वहां तक इतना ज्यादा इस एक्सटेंट तक उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी माँ है सारे अरबों की फिर शेख अब्दुल इबनिबास जो हैं अब्दुल अजीज उनसे जब फतावा लिए गए इस टॉपिक के ऊपर तो ये उनका स्टेटमेंट है कि अप होल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप इज ऑब्लीगेटरी टू द एक्सटेंट दैट वन इज एबल टू डू इट यानी हम जहां तक जिस एक्सटेंट तक रहम के रिश्तों को जोड़ सकते हैं वहीं तक हमें अलाउ है स्टार्टिंग विद द क्लोजेस्ट एंड देन द नेक्स्ट क्लोजेस्ट जो चीज हमारे बस में नहीं उसके ऊपर हमारी पकड़ नहीं है ठीक है ये एक बेसिक प्रिंसिपल बाज ने दिया है जिसको अभी आगे हम मजीद देखेंगे कि अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो फिर तो हम कहेंगे कि हमें तो कितने ऐसे हमारे फैमिली ट्री में रिश्तेदार हैं जिनका हमें पता ही नहीं है और वो कहाँ है उनसे क्या हम काट के बैठे हुए हैं सोशल मीडिया का दौर है उनसे कैसे मिले तो अभी इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे इस प्रिंसिपल को याद रखें ऑब्लिगेशन कहाँ तक है टू द एक्सटेंड दैट वन इज एबल टू डू इट फिर ये कि करना क्या है जोड़ने का तरीका क्या होगा क्या डेफिनेशन है मतलब मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है करना क्या है जोड़ने के लिए रिश्तों के साथ तो ये बहुत बेसिक ही चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए कि इन्हीं चीजों के साथ इन्हीं ऑप्शंस के साथ आप उसके साथ एक रिश्ते को कायम किए हुए हैं उसमें पहली चीज विजिटिंग आती है ठीक है अगर वो ओवरसीज हैं तो एक अलग बात है लेकिन अगर एक ही जगह है तो ये मस्ट है फिर ये ऑब्लिगेशन में आ जाता है हालात के हिसाब से होगा विजिट करना अच्छी तरह उनसे ट्रीट करना उन्हें गिफ्ट्स देना अगर वो नीडी हैं तो सबसे पहले सदका और जक़ात भी उन्हीं के लिए है विजिटिंग दैम देख टेक्सटिंग फोन कॉलिंग अगर वो दूर हैं, होस्टिंग देम, कोई एक ऐसी दावत रखना कि जिसपे सब आ जाएं और सब एक दूसरे से मिल लें ये सबसे बेहतरीन तरीका है उनको जोड़ के रखने का उनको इज्जत देने का और जिस वक्त देखें कि अगर वो किसी मुश्किल में है फिजिकल प्रॉब्लम है सिख है या फिर फाइनेंशियल हेल्प है तो एक अलग बात है एक होती है प्रॉब्लम्स कि उनके इश्यूज़ हैं उसमें गुड एंड अपने घर से अपनी फैमिली से ये पहले शुरू करना है तो ये सब चीजें अब होल्ड करने में आती हैं कि आप रहम के रिश्तों को जोड़ के रखे हुए हैं फिर इमाम अल नवावी जो हैं वो फरमाते हैं कि अप होल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप मीन का पोजिशन ऑफ इच ऑफ काइंड ट्रीटमेंट कैसे होगा तो वो सबकी पोजिशन के हिसाब से होगा समटाइम्स इट मे बी बाई गिविंग मनी जैसे कोई एक रिश्तेदार है जिसके घर आप रोज चले जाते हैं और आप देखते हैं कि वो कितनी गुर्बत में है और आप वहां रोज बैठ के उसके साथ खाना भी खा लेते हैं चाय भी पी लेते हैं लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करते तो फिर इसमें ये में नहीं आएगा जहां पर जिस तरह की रिश्तेदार आप की आपकी आप फैमिली के उस की जो पोजीशन है उस हिसाब से आपने उसकी मदद करनी है उस रिश्ते को ऐसे कायम करना है तो अकॉर्डिंग टू इमामवावी समटाइम्स इट मे बी बाय गिविंग मनी समाइम्स बाय सर्विंग देम सपोज कोई बीमार है हॉस्पिटल में है, उसके इमीडिएट फैमिली घर वाले सब कहीं गए हुए हैं और उसको जरूरत है आप उसके कजन हैं तो फिर आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन में होगा कि आपने उसके पास रुकना है फिर वो चीज़ ऑब्लिगेशन में चली जाएगी वरना क्या हो सकता है कि आप उसको जब हॉस्पिटल जाते विजिट करके और उसकी खैरियत पूछ के आ जाते आपकी एक वो पहली वाली ऑब्लिगेशन थी लेकिन दूसरे केस में क्या है कि उसको जरूरत है तो फिर आपने वहां पे स्टे भी करना होगा तो ये सब चीजें सिचुएशन बेस्ड है समटाइम्स बाय विजिटिंग दैम और ग्रीटिंग सिर्फ ग्रीट करने पे भी ऑब्लिगेशन पूरी हो जाती है तो हर केस के हिसाब से देखा जाएगा कस्टमरी एक्ट अच्छा शेख साले अल उसेमीन जो है स्कॉलर ये भी ये बात बताते हैं कि अप होल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप डिपेंड्स

कि वहां पर किस तरीके से रिश्तों को जोड़ा जाता है उसी तरीके से रिश्तों के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा ये नहीं होगा कि आप किसी और का की रिवायतों को किसी और के कल्चर को लाके अपनी फैमिली में लेकर आए कि हम तो ऐसे ही मिलते हैं मिसाल के तौर पर हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं तो वहां क्या होता है कोई दावत होती है सारी फैमिली मिलती है एंड में जब सब डिनर वेनर या लंच हुआ सब अपने अपने डिश वॉश कर रहे हैं और जा रहे हैं ठीक है ये वहां का एक कस्टम है होता है लेकिन हमारे हम अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब किसी को खाने पे बुलाते हैं और उसके बाद हम उससे कहें कि आओ मेरे साथ जरा बर्तन दो तो उसका क्या हाल होगा देख के कि क्या आपने हमें इसलिए खाने पे बुलाया था अब आप कहें नहीं ये तो अच्छी बात है देखो वहां फला जगह पे अमेरिका में तो ऐसे ही होता है तो आप दूस एक और जगह की कस्टम को यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते क्यों क्योंकि इसमें आपके रिश्तेदार का दिल टूट रहा है वो उस चीज को नहीं समझ रहा आपने उसे जोड़ने के लिए घर पे दिल जोड़ने को खाने पे बुलाया था ना कि दिल तोड़ने के लिए तो ये बहुत खूबसूरत बात उसमी रहमतुल्ला ने कही है, कि कस्टम के हिसाब से रिश्तेदारियां निभाई जाएंगी वट एवर इज कस्टमरली रिगार्डेड एज अप होल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप

क्योंकि एक प्रिसाइज तरीका नहीं लिखा हुआ तो हर जगह की कस्टम्स होंगी हर एक का अपना कल्चर होगा हर एक की फैमिली की अपनी रिवायतें होंगी उस हिसाब से तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि आपने वो काम करना है जिससे आपकी फैमिली आपके रिलेटिव्स खुश हो रहे हो ना कि वो काम जिससे वो नाराज हो रहे हो जैसे बहुत से लोग अपने घर बुला के कहते हैं मैं बड़ी हूं और ये मेरे घर आए हैं मेरा काम है मैं नसीहत कर सकती हूँ और वो सबके बीच में बैठ के नसीहत करते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं और वो कहते हैं हाँ ये सब चीजें मैं कर सकती हूँ ये मेरे रिश्तेदार है मेरा हक है ठीक है ये सब कुछ सही है लेकिन इसका कोई और तरीका भी हो सकता था किसी को बात समझाने का जरूरी नहीं है कि आप दावत करें सबको बुलाएं और वहीं पे बैठ के उसको समझाएं इससे क्या हो रहा है कि उसका दिल टूट रहा है तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो एक अच्छा काम किया था मेरी तो नियत नेक थी अब उसने माइंड कर लिया तो मैं क्या करूं इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि सामने वाला क्या तासुर ले रहा है आप उसके साथ जो बिहेव कर रहे हैं सामने वाले के दिल में अच्छाई पैदा हो रही है कि आपके लिए बुराई पैदा हो रही है मेन चीज आपको इसका सेंस होना चाहिए ये रिश्ते तब जुड़ते हैं हम अक्सर नादानियों में अपने रिश्तों को तोड़ बैठते हैं अक्सर फैमिली लंच ऐसे होते हैं फैमिली डिनर्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग जुड़ने के लिए आते हैं लेकिन कोई ना कोई एक बात कोई ऐसी करता है कि जिसके ऊपर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और वो बजाय ये कि मिल के जुड़ के मोहब्बतें लेके जाते नाराजगियां लेके जाते हैं फिर घर पे जाके गॉसिप्स होती हैं कि फला डिनर पे ये हुआ उसने उसको ये बोला फिर वो कुछ लोग बीच में लड़वाने का काम करते हैं कि हाँ उसने तुम्हें तो ये बात जानबूझ के बोली थी और वो तो तुम्हारे साथ अच्छा ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती और वो क्या होता है कि वो फैमिली डिनर बजाय जोड़ने के दूर से दूर करता चला जाता है और लोग कहते हैं इससे तो बेहतर है कि बस कभी कभार ही मिल लेना चाहिए जाना ही नहीं चाहिए मैं तो अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी नहीं मैं दावत ही नहीं कबूल करूंगी ये सब चीजें हमारे आसपास कितनी फैली हुई हैं हम सब जानते हैं इसलिए इन प्रिंसिपल्स को अगर जहन में रखें जो अभी तक मैंने बताया इमाम नवावी का और ये अभी इब्ने उसैमीन का और जो पीछे हमने आयात पढ़ी इन सब को जहन में रख के एक बेसिक प्रिंसिपल बना लें कि ये चीज के साथ हमने रिश्ते निभाने अब उन रिश्तों की सीक्वेंस देख लेते हैं सब जानते हैं कि सबसे पहला हक हाँ, किनशिप में अप किनशिप वो माँ बाप का है और ये सूरह इसरा की आयत सब जानते हैं कि उफ तक हमें उन्हें कहने का हुक्म नहीं जब वो बूढ़े हो जाएं और उनके लिए दुआ करना है रब्बर हम हुमा कमा रब्बा यानी सवेरा यानी पहला हक सबसे पहले जो टाइज ऑफ किनशिप निभानी है उसमें माँ बाप आएंगे फिर उसके बाद नीचे वाले रिश्ते आते चले जाएंगे यानी आपकी अपनी औलाद हो गई औलाद की औलाद हो गई आप अच्छा माँ बाप में पीछे पेरेंट्स में ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल होंगे तो फैमिली लिविंग टुगेदर जैसे सपोज जॉइंट फैमिली सिस्टम है एक ही घर में रह रहे हैं तो अब यहाँ पे किस तरीके से आपने रिश्तों को कायम करना है मतलब जोड़ने के लिए अभी तो मैंने जैसे आपको बात कही कि आप सारी फैमिली को जोड़ रहे तो एक्सटेंडेड फैमिली अपने घर बुला लिया लंच कर लिया डिनर कर लिया अभी हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस में सबसे ऊपर माँ बाप फिर कौन आएगा वो फैमिली जो आपके साथ आपके घर में साथ रह रही आपके वो रेलेटिव तो इट इज इंपेरेटिव टू स्पेंड एट लीस्ट सम क्वालिटी टाइम टूगेदर एवरी डे सच एज ईटिंग मील टूगेदर कम से कम एक मील फैमिली को एक साथ एक दस्तरखान, एक टेबल पे बैठ के खाना होगा ताकि सबको पता हो कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है किसको को कहा किस चीज की जरूरत है अपने अपने बेडरूम्स में अपने अपने रूम्स में टीवी के सामने बैठ के अगर खाएंगे तो घर में साथ रहते हुए फैमिली को अपनी पता होता कि फला के साथ क्या मसला चल रहा है इतने बेखबर हैं आज हम लोग एक घर में रहते हुए तो ये वाला माहौल नहीं होना चाहिए तिरमेदी की हदीस से आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज नॉट वन ऑफ अस हु डज नॉट शो कम्पैशन टूवर्ड्स आवर यंगर वंस एंड शो रिस्पेक्ट टू आवर ओल्डर वंस तो जो बड़े हैं उन्हें छोटों के बारे में पता होना चाहिए और जो छोटे हैं घर के उन्हें बड़ों के बारे में पता होना चाहिए अपनी अपनी लाइफ अपनी एक्टिविटीज अपने फ्रेंड्स अपनी हॉबीज घर में आके हर एक का अपना मोबाइल और अपनी अपनी एक्टिविटी अपनी पार्टीज इस कल्चर से हमें बाहर आना होगा इस तरह रिश्ते नहीं जुड़ते कहने को साथ रह रहे होते हैं, लेकिन एक भाई को दूसरे भाई की खबर नहीं होती एक बहन को दूसरी बहन के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है उसका होश नहीं होता डिस्टेंट फैमिली चले अब पहले पेरेंट्स की बात हुई फिर एक ही फैमिली ज्वाइंट फैमिली में एक ही घर में रहने वालों की बात हुई अब डिस्टेंट फैमिली जैसे पहले हमने बात की दूर दूर तक रिश्तेदार हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदीय के बारे में पता चलता है कि उनकी एक खूबी थी जो बड़ी मशहूर थी उस जमाने में वहां पर मक्का में लोग उनकी इसलिए बहुत इज्जत करते थे कि वो जो शजरा होता है फैमिली ट्री होता है लीनियज वो याद होता था उनको और ये अरबों की एक खासियत थी कि वो लिखते नहीं थे ये चीजें वो इसको मेमोराइज करते थे सबको अपना फैमिली ट्री याद होता था हमारे यहाँ क्या होता है हमारे बच्चों को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपने अंकल और आंट्स जो बिल्कुल इमीडिएट हैं जो हमारे अपने सगे बहन भाई हैं हमारे बच्चों को ये पता होता है ये मामू है ये चचा है जो हमारे फर्स्ट कजिन्स हैं जो आगे फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली जा रही है बच्चों को नहीं मालूम होता उनके बारे में क्योंकि हम इतना ज्यादा ना तो उन्हें मिलवाते ना बताते ना हम खुद इतना मिलते हमारे मरने के बाद वो बच्चे जानते भी नहीं फला शख्स हमारा रिश्तेदार है तो उमर बिन अल अलखताब रदीलाफ फरमाते हैं ये बात उन्होंने मिनबर पे खड़े होके कही कि याद करो अपने लीनियज को सो दैट यू कैन मेंटेन टाइज ऑफ किनशिप ताकि तुम रहम के रिश्तों को जोड़ सको कसम खा के कहा बाय इफ देर आर फीलिंग्स बिटवीन मैन एंड अगर ये पता होगा ना कि ये आपस में रहम के रिश्ते से जुड़े हैं सपोज किसी को नहीं पता और वो उसके बीच में नाराजगी चल रही है अगर उसको ये पता चल जाए तो ये तो मेरा रिश्तेदार है मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात तो चाहे आपका कोई कितना बड़ा भी दुश्मन हो ये रिश्ता ये फीलिंग ट्रू सेंस में अगर हम इसको समझें तो वो उस दुश्मनी को खत्म कर देगी इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता तो हो कि कौन है रिश्तेदार हमारे और आज के दौर में क्या मुश्किल है जूज टेक्नोलॉजी टू ब्रिज द डिस्टेंस वाइजली हम सोशल मीडिया एप्स पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं सारी एक्सटेंडेड इमीडिएट फैमिली को उसमें ऐड कर देते हैं और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबसे कनेक्ट हूँ मुझे सबको पता है वो फला ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो अमेरिका में है वो पाकिस्तान में है वो इंडिया में हम सब चैट करते हैं क्या होती है वो चैट ज्यादातर उन ग्रुप्स पे लोग अपना शो ऑफ कर रहे होते हैं बहुत से लोग रोजाना सिर्फ फॉरवर्ड्स कर रहे होते हैं किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आई हुई है ये बात उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होने के बावजूद नहीं पता होती किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए किसी को नहीं पता होता तो उन ऐप्स का मकसद क्या रहा सोशल मीडिया मस्ट नॉट बी अ प्लेटफॉर्म टू आर्ग्यू ऑन सेंसिटिव फैमिली इश्यूज। कोई एक टॉपिक छिड़ जाता है और अक्सर तो उन ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है चैटिंग में लड़ रहे है होते हैं लोग द बेस्ट वे टू यूज टेक्नोलॉजी इज टू वर्क टूगेदर ऑन प्रिपेयरिंग अ फैमिली ट्री आजकल पता है आपको ऐसी एप्स आ गई हैं जिसमें आप अपना फैमिली ट्री खुद बना सकते हैं तो आप उस तरीके से एक दूसरे को मतलब जोड़ने के लिए पहले मालूम तो करें रिश्तेदार हैं कौन और फिर उन एप्स का सही इस्तेमाल करें एक्सीलेंस पहली चीज अब देख लेते हैं कि क्यों करें ये सब कुछ क्या फायदा है एक्सीलेंस क्या है सबसे पहला रिवॉर्ड हदीस के अल्फाज हैं बुदाउद की कि एनी वन हु इज प्लीज विद हिज सस्टेनेंस इज एक्सपेंडेड एंड हिज एज एक्सटेंडेड शुड डू काइंडनेस टू हिज नियर रेलेटिव बहुत ही खूबसूरत यह हदीस है जिससे पता चलता है कि इंसान का रिस्क बढ़ जाता है उसकी उम्र तवील हो जाती है जब वो अपने रहम के रिश्तों को जोड़ता है दूसरा रिवॉर्ड अल्लाह तरफ से रहमत नाजिल होती है परेशानियां दूर होती हैं खुशहाली आती है Number three, ये भी हदीस है कि पुअर पर्सन इज चैरिटी आपने किसी गरीब इंसान को सदका दिया वो सिंपल सदका है और आपने अपने रिलेटिव को सदका दिया तो आपको डबल दोहरा सवाब मिलेगा क्यों क्योंकि आपने रहम के रिश्ते को जोड़ा यहां से पता चलता है कि अपनी फैमिली में सदात और सदका करना ज्यादा अफजल है क्योंकि उस पर डबल रिवॉर्ड और ये एक मीन द टाइज ऑफ किनशिप तो जो पहली वाली ये हदीस हमने देखी अगर कोई शख्स रहम के रिश्तों को अपने रिश्तेदारों को साथ लेके चल रहा है जोड़ के रख रहा है ब्लड रिलेशंस जिनकी मैंने अभी बात की तो उसकी उम्र भी तवील है उसे ज्यादा नेकियां करने का मौका मिल रहा है और उसका रिस्क कुछ आदा हो रहा है लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो क्या फिर ये चीज हमारे जहन में नहीं आएगी कि उसका रिस्क तंग हो रहा है उम्र तो अल्लाह ताला जानते हैं कि उसकी उम्र कब तक है लेकिन ये जो रिस्क की तंगी आती है अपने आस देखें मैं काफी देर तक जब मैं इस टॉपिक पे ये अपना लेक्चर बना रही थी तो मैं गौर कर रही थी जहां जहां रिस्क की तंगी है और मुझे हर जगह पे ये वाली चीज नजर आ रही थी कि वहां कत रहमी है दो चार केसेस मेरे आसपास मैंने मैंने नो, नोटिस किए इवन यहां दुबई में नहीं पाकिस्तान तक में जहां मैंने ये चीज खुद फील की आप लोग भी अगर गौर करें तो एक फैमिली है जहां पर भाई भाई से नहीं मिलता बहन बहन से नहीं मिलती ए, एक बल्कि मैं सीक्वेंस में बताती हूँ एक जगह एक लड़की है उसने अपनी पसंद से शादी की उसका भाई इस बात पे उससे नाराज हो गया अब वो लड़की तो शादी हो के जाहिर है चली गई लेकिन भाई अब अपनी बहन से नहीं मिलता और अपनी बहन को अपने घर नहीं आने देता उसके घर में उसकी माँ भी है वो लड़की अब अपनी माँ से नहीं मिल सकती अब ये रहम के रिश्ते हैं अब होने को तो ये हो गया वो लड़की ठीक है अपने शोहर के साथ अपने घर में रह रही है लेकिन जिस भाई ने ये सब किया उसकी रिस्क की तंगी उसकी कस्मा पुरसी का जो हाल है वो मेरे सामने फौरन आया और जहन में यही ख्याल आया कि ये रिस्क की तंगी क्या इस रहम के रिश्तों को तोड़ने की वजह से इसी तरीके से एक और फैमिली है जिसमें यही सब कुछ हुआ कि घर में मतलब वही जो होता है कि हमारिया एक बहू आई और उसके बाद उसके साथ अच्छे तलुकात फैमिली के कायम नहीं हो सके ससुराल में और उसके बाद उस लड़की ने ये कहा कि अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं वो अलग हो गई अलग होने के बाद उसने अपने बच्चों को अपने दादा दादी चचा चची इन सब से मिलने से रोक दिया अभी हमने पीछे बात की रिश्तों की असहार अब वो लड़की ये कहती है ये मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार हैं मैं इनसे मिलूं ना मिलूं मुझ पे कोई गुना नहीं ठीक है उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है ये कि वो उन से रहम के रिश्तों में वो नहीं आते लेकिन जो उसके बच्चे हैं वो तो रहम के रिश्ते हैं ना अब वो अपने बच्चों को नहीं रोक सकती लेकिन उसने अपने बच्चों को रोका कि तुम उनके घर नहीं जाओगे तुम वहां जाओगे तो वो तो लोग तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की बच्चे तो मासूम होते हैं जाहिर है जो माँ कहेगी और उस हिसाब से बच्चों ने वो सब बातें माँ की मान ली बाप जो है वो कुछ नहीं कर सका घर में लड़ाई झगड़े यही सब चीजें होने को तो वो लड़की इस मामले में कामयाब हो गई लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई वही चीज कि रिस्क की तंगी और रिस्क की तंगी सिर्फ पैसे की तंगी में नहीं आती ये भी याद रखें जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब चली जाए और पैसे खत्म हो जाए रिस्क का मफहम बहुत बड़ा है तीसरे केस में मैं आपको बताऊं वहां पे पैसे की तंगी नहीं है वहां पे भी यही केस है वहां पे एक औरत को घर से निकाला गया उसको तलाक दिलवाई ससुराल वालों ने और उसके बाद उसके बच्चे जो थे वो माँ जो है वो उसको ले जाने नहीं दिए अपने पास रख लिए और ये सारी चीजें इसी तरह चलती नहीं चलती रही रिस्क वहां तंग नहीं हुआ है रिस्क मौजूद है लेकिन जो सुकून होता है जिंदगी में कि हर चीज है हर तरह की आसाइश है लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी शुरू हो जाती तो रिस्क का मफहम बहुत बड़ा है और ये सारी चीजें कोई भी मानने को नहीं तैयार कि हमने सिला रहमी की है इन सारे केसेस में कोई ये बात नहीं मानता कि हमने कतः रहमी की है और इस तरह के लोग आपके पास भी बहुत होंगे और यहाँ मैं वो वाक्य सुनाना चाहूंगी जो हम कहते हैं ना कि नहीं हमारे साथ इतना जुल्म हुआ तो हम क्या करें ये है वो है हजरत अबू बकर की बेटी हैशा रजी अला जब उनपे अस्त फिर जना की तोहमत लगाई गई तो वो बात पूरे मदीने में एक स्कैंडल बना फैला बड़ा प्रोपेगंडा हुआ और हजरत अबूबकर अपने एक रहम का रिश्ता एक रिश्तेदार था मिस्ता जिसकी फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे हर महीने उसने भी इस गॉसिप में हिस्सा ले लिया हजरत के खिलाफ जब हजरत अबू बकर को ये बात पता चली तो उन्होंने कसम खाई कि अब से मैं ये जो फाइनेंशियल हेल्प अपने इस रिश्तेदार की करता था अब नहीं करूँगा क्यों क्योंकि इसने मेरी बेटी पे जो तोहमत लगी उसमें हिस्सा लिया है लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को इस चीज़ से रोक दिया नूर में वो आयत मौजूद है और इस चीज से रोक दिया गया उनको कि नहीं ये रहम के रिश्ते हैं जो उसकी जरूरत है जो तुम उसकी फाइनेंशियल मदद कर रहे हो वो करते रहो हजरत अबू बकर ने बाद में अपनी कसम तोड़ी तोबा की अब सोचे किसी की बेटी पे एक इल्ज़ाम लगाओ और अपना ही रिश्तेदार उसमें पार्टिसिपेट करे उस गॉसिप में तो दिल पे क्या गुजरेगी तो रहम के रिश्तों को जोड़ने का मामला इतना सिंपल नहीं है जहाँ हम जवाब ढूंढ लेते हैं कि नहीं फला ऐसे था आज मुझे पता है आप सबके जहनों में यही सवाल होंगे कि हम क्यों करें फला ने हमारे साथ ऐसे किया ऐसे किया अब वो उससे तो अब हम मिल ही नहीं सकते कभी भी नहीं मिल सकते शक्ल भी नहीं देखेंगे जस्टिफाई कर लेंगे आप लोग अपने जहन में कि वो है ऐसा तो इसलिए इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने ते हुक्म दिया है रिश्तों को जोड़ने का और अगर हम नहीं मानते इस हुक्म को तो क्या होगा अब मैं आपको दुनियावी यहाँ एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी मैं आपको इस चीज के बारे में अभी एविडेंस से बात करेंगे कि कौन सी अदीस है क्या बताती है या अगर हम नहीं जोड़ तो क्या होगा दुनियावी एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दी कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि रिस्क की तंगी बहुत जल्दी आती है और क्या क्या होता है देखिए वेरियस डिग्रीज होती हैं कि आप रिलेशन को किस तरह कट ऑफ करके बैठे हुए उसमें मोस्ट सिवियर क्या होता है वर्स्ट अगर आपने उसको सलाम भी नहीं किया आप किसी के घर गए आपका रिश्तेदार सामने बैठा है सबसे जाके आपने हाथ मिलाया सलाम किया और उसको इग्नोर कर दिया दिस इज The most severe cut -off, रहमी। फिर उसके बाद लेसियर में आता है कि आपके रिश्तेदार को आप समझ रहे हैं कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है जबकि अकॉर्डिंग टू शरिया वो ज्यादती इतनी बड़ी नहीं है लेकिन आपने क्या किया उससे विजिट करना छोड़ दिया आप सिर्फ उसको सलाम कर लेते हैं लेकिन आप उससे मिलते नहीं और इवन ना आप उससे जो शादी का मौका है ईद का मौका है मौत का मौका है मतलब इस टाइप के जहां पे वाजिब हो जाता है वहां पे भी आप उसको विजिट नहीं करते हाँ वो आपको रास्ते में कहीं मिल जाए तो आप सलाम कर लेते तो ये सब चीजें भी कतः रहमी में आएंगी क्योंकि बहुत अभी मैं आगे बताऊंगी कि कहीं कहीं सलाम करने वाली रिलेशनशिप मिनिमम वो जो रिश्ता है वो एक्सेप्टेबल है लेकिन वो कब एक्सेप्टेबल है उस पर हम आगे बात करेंगे अभी इस चीज को समझ लें कि कोई ये ना समझे हाँ वो मुझे मिलता है मैं सलाम कर लेती जो चीज ऑब्लिगेशन में है वो ऑब्लिगेशन में है हजरत वो बकर के वाकई को सुनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसे बुरा किया मैं उसके घर की शादी में नहीं जाऊंगी ये हम नहीं कर सकते तो अब क्या क्या नुकसान है नुक, नुकसानात पे एक नजर डालने पहली चीज तो कित रहमी जो है वो मेजर सिन है इसकी एविडेंस क्या है कुरान में जहाँ कहीं भी लानत के अल्फाते हैं तो वो चीज कन्फर्म कर देती है अथॉरिटी द लैंड एंड सीवेर यूर टाइज ऑफ किनशिप क्या तुम रहम के रिश्तों को काटोगे सच आर देम अल्लाह है वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की सो तो, कन्फर्म so हो गई ये बात की ये एक गुनाहे कबीरा है क्योंकि ऐसा करने वालों पर अल्लाह की लानत हैकर सबको पता होगी कि वो अहद को तोड़ते हैं और वो रिश्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है और फसाद करते हैं और वो ही ख्वासरून है लूजर्स है ये किसकी बात हो रही है फासिकून की तो जो रिश्तों को काटते हैं वो किस कैटेगरी में है फासिकून की कैटेगरी बहुत एक्सट्रीम लेवल की कैटेगरी है गुनाहगारों में तो ये गुनाहे कबीरा जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है गुनाहे कबीरा तो बहुत से होते हैं ना इस ये एक इंटेंस गुनाह कबीरा है मेजर सिन है इसी तरह बुखारी की हदीस है जिसमें इससे ज्यादा खतरनाक हदीस कोई नहीं हो सकती आप सलम ने ओपनली साफ अल्फाज में कह दिया दूर पैराडाइज के रिश्तों को तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस गुनाहे कबीरा को जस्टिफाई करें इबन माजा की हदी से देर इज नो सिंह मोर डिजर्विंग दैट अल्लाहन द पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड ऐसा कोई गुना नहीं जिसमें अल्लाह ताला जल्दी करते हो कि दुनिया में ही सजा दे देंट इज इन और वो सजा आखिरत में भी मिलेगी एंड ऑफ किनशिप एक नासाफी करना और एक रहम के रिश्तों को तोड़ना कत रहमी करना ये वो गुना है जिसकी सजा आखरत में तो मिलेगी मिलेगी दुनिया में भी मिल जाती है इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अपने आप को देखें अपने आसपास देखें जहां कहीं परेशानियां हैं वहां ढूंढ़ें, तलाश करें। एक कहीं रीजन कतई रहमी तो नहीं है फौरन जाके उस रिश्ते को जोड़ लें अपने हालात को सही करने के लिए फिर ये एक और हदीस है जिसमें फरमाया कि देर इज नॉट अ मुस्लिम अपॉन द अर्थ हु कॉल्स अपॉन अल्लाह विद एनी सप्लीकेशन यानी ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो अल्लाह से दुआ करे एक्सेप्ट दैट अल्लाह ग्रांट्स इट टू हिम तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है और ही टर्न्स अवे फ्रॉम हिम द लाइक ऑफ इट इन ईवल या उसकी जगह उससे कोई मुसीबत हटा देता है एज लॉन्ग एज ही डज नॉट सप्लीकेट फॉर समथिंग सिंफुल जबकि वो दुआ जायज दुआ हो कोई गुनाह की दुआ नहीं और द सिवेरिंग ऑफ द टाइज ऑफ किनशिप या फिर अल्लाह ताला ये देखते हैं कि ये दुआ उसकी क्यों नहीं पूरी हुई क्योंकि वो रहम के रिश्ते तोड़ के बैठा हुआ सो फ्रॉम द पीपल सेड व्हाट इफ वी शुड इंक्रीज इन इट ही सेड विद अल्लाह इज मोर यानी अगर रहम के रिश्तों को तोड़ के बैठे हुए हैं तो फिर आप एक ऐसी हैंगिंग पोजिशन में है पता नहीं आपके अमाल कबूल हो रहे हैं या नहीं आपकी दुआ कबूल हो रही है या नहीं इसीलिए कहा गया है कि तीन दिन से ज्यादा कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से बात करना नहीं छोड़ सकता द गेट्स ऑफ पैराडाइज जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं मंडे और थर्सडे को और हर बंदा जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता उसे माफ कर दिया जाता है सिवाय उसके जो दिल में बुगज रख के बैठा हुआ है ग्रज रख के बैठा है अपने भाई के लिए उनके लिए कहा जाता है इनके मामले को हैंगिंग पेंडिंग है अभी डिले कर दो जब तक कि वो एक दूसरे से रिकॉन्साइल ना कर ले तो कैसे फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम जो नेकियां कर रहे हैं वो कबूल हो रही है दुआएं कबूल हो रही हैं अमाल कबूल हो रहे हैं ऊपर जा रहे हैं और साथ साथ हम कत रहमी भी करके बैठे हुए हैं तो अब मेन चीज क्या है कि किनशिप की बॉन्डिंग में एक होती है अपहोल्डिंग एक होती है मेनटेनिंग ठीक है इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम टू विजिट हिज और हर रेलेटिव पर्सनली ठीक है ये ऑब्लीगेशन में कि आपने उनसे मिलना है उनसे बात करनी है दूर है तो वो बात टेलीफोन से करनी है सोशल मीडिया से करनी है लेकिन अगर वो आपके करीब हैं सपोज एक ही नेबरहुड में या एक ही घर में साथ रह रहे हैं वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उनसे बात ना करें जो हम कहते हैं ना अब आज से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी ये हम नहीं कर सकते अगर वो फाइनेंशियल नीड में है बीमार हैं और आप कहें कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी तो मैं कैसे जाऊं उसे देखने मैं उसकी मदद कैसे करूं मैं तो उससे बात ही नहीं करती फिर इसी तरीके से एक होता है कि एक रिश्तेदार एक फैमिली में आपका मेंबर बहुत अच्छी तरह आपसे मिलता है तो आप कहते हैं भाई वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है आप भी उसे इसी तरह से मिलते वो आपके घर शादी में आता है बड़ा सा गिफ्ट देता है आप भी उसकी शादी में जाके बड़ा सा गिफ्ट दे के आ जाते ये सब क्या है ये रेस्पोंडिंग बैक है दिस इज नॉट कॉल्ड अप होल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप हम में से मेजोरिटी यही कर रही है जो हमसे मिल रहे हैं हम उनसे मिल रहे हैं जो हमसे नाराज़ हैं हम उनसे नाराज हैं तो इस चीज पे हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो जैसे वो हैं भाई जाहिर है वो मुझसे मिलते ही नहीं तो मैं क्या करूं उनसे मिलना होगा इसके लिए तो पहले ये हदीस देख लेते हैं सब आई थिंक ये बड़ी मशहूर हदीस है अब की तरफ से नरेट की गई है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके यही सवाल किया जिस वक्त आप सबके जहनों में होगा कि अल्लाह मेरे रिश्तेदार बुरे हैं वो मुझसे रिश्ता काट रहे हैं मैं उनसे अच्छी तरह मिलता हूँ लेकिन वो मुझसे बुरा सलूक करते हैं वो मुझसे हार्श हो जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो तुझसे हार्श होते हैं तो इसका मतलब है इफ इट इज सो एज यू सेन यू इनफेक्ट थ्रो हॉट एशेस यानी तुम उसके मुंह में गर्म अंगारे डाल रहे हो आग अगर वो इस तरह करते हैं यानी तुम तो उनसे बचे हुए हो लेकिन ये ऐसी चीज है एंड देयर वुड ऑलवेज रिमेन विद यू ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह इन एंजल टू सपोर्ट यू तो जब तक तुम उनके साथ अच्छा कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ बुरा किए जा रहे हैं तुम्हारे पीछे एक एंजेल है अल्लाह ताला की तरफ से जो तुम्हारी साइड पर है इससे अच्छी बात क्या होगी हम सब चाहते हैं ना कि कोई कोई हमारे पीछे भी हमारी भी कोई बैक हो तो अल्लाह ताला ने एक एंजेल को हमारे पीछे बैक बनाया हुआ हैंट ओवर देम सो लॉन्ग एज यू एडियर टू दिस पाथ ऑफ राइचियसनेस जब तक कि हम इस रास्ते पर हैं जहां पे हम उसको रिटेलिएट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा तो इसी तरह तिरुमति की हदीस है कि वेन द मुस्लिम एक मुसलमान जो लोगों में मिक्स होता है और एक है और वो सबर करता है उनके हार्म के ऊपर और दूसरा मुसलमान है जो मिक्स ही नहीं होता वो जाता ही नहीं कि भाई मुझसे सबर नहीं होता आजकल तो उन दोनों में से क्या होगा ही इज बेटर

फुलेस्ट एक्सटेंड तक तो जाहिर है नहीं मिलेंगे ना लेकिन आप उससे फिर मिनिमम रिलेशनशिप रख सकते हैं एंड इफ ही तो इसलिए मिनिमम रिलेशनशिप जो है वो रखनी पड़ेगी मिनिमम रिलेशनशिप किस तरह रख सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मतलब ये सवाल मुख्तलिफ जगहों से आते हैं बहुत ज्यादा कि कहते हैं कि बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनसे हम ये देखते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर वहां पे क्या करें आप ठीक है अगर आप उन्हें विजिट करते हैं वो वहां जाके आपको गालिये दे रहे हैं आपसे झगड़ा कर रहे हैं आपको तंग कर रहे हैं आपकी तबीयत खराब हो रही है तो ऑफकोर्स फिर आप उन्हें विजिट नहीं कर सकते लेकिन आप उनसे सलाम में पहल करेंगे आप उनसे सलाम दुआ का रिश्ता रखेंगे जी, ये, ये खैरियत पूछने जाते हैं कितनी दफा ऐसा करेंगे रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं मतलब आपकी जो रिलीजियस बाउंड्रीज है वो उसमें प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं मतलब आप अपने दीन पे सही चल नहीं सकते जब तक कि आप उनसे रिश्ते को जोड़ के एक फुलस्ट एक्सटेंड तक आप उनसे मिल रहे हैं और वो आपके दीन में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं उस केस में फिर आप उनसे दूर हो सकते हैं मतलब ये वो केसेस हैं इसी तरीके से बाज रिश्तेदारों के लिए पूछा गया कि वो हम पे जादू टोना करते हैं हम उनके घर जाते हैं वो हमें कुछ खिला देते हैं ऐसा कुछ पिला देते हैं मतलब वो इतने जेलस हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर उस केस में राम ने इस चीज की इजाजत दी कि फिर आप उससे सिर्फ सलाम दुआ वाला रिश्ता रखें क्योंकि वो जो आप वसल्लम की हदीस है ना कि तीन दिन से ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करो और तीन दिन बाद जो सलाम में पहल करे तो वो ही अफजल है तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने मिनिमम सलाम दुआ का रिश्ता रखा हुआ है ऐसे केसेस में तो इट मीन्स कि आप ब्रेक नहीं कर रहे फतह रहमी नहीं कर रहे टाइज ऑफ किनशिप मिनिमम लेवल पर मेंटेन है लेकिन ये सिर्फ एक्सट्रीम लेवल के केसेस हैं अगर सपोज आप किसी के घर जाते हैं वो आप पे टॉन्ट करता है और थोड़ी देर आपको चाय भी पिला देता है बात भी हो जाती है लेकिन बातों बातों में वो आप पे तंस करता रहता है 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 और आपको पता है कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं घर आके आप परेशान भी होते हैं इवन देन यू हैव टू सी हिम ये वो वाला लेवल नहीं है हाँ कोई आप उसके घर जाने वो दरवाजा नहीं खोल रहा आप घर के अंदर जाने वो आपको बुरा भला डायरेक्ट कह रहा है या फिर वो आप के ऊपर जादू टोना कर रहा है नुकसान पहुंचा रहा है ये बहुत एक्सट्रीम लेवल के केसेस हैं जहां पे फिर मिनिमम सलाम दुआ का रिश्ता रखना पड़ता है इससे हटके रिश्तों को तोड़ा नहीं जा सकता जैसा कि यह हदीस आपके सामने कि वो बुरा करेंगे तो आपने अच्छाई से जवाब देना नहीं कर सकते आप ये सब कुछ वो आपसे रिश्ता काटेंगे आप जोड़ेंगे वो आपको बुरा कहेंगे आप उनको अच्छा कहेंगे और ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है लेकिन आप उस गुना से तो बच रहे हैं ना आपके पीछे एक फरिश्ता है ना जो खड़ा है अल्लाह ताला ने उसको आपकी सपोर्ट बनाया तो फिर टिप्स क्या हैं ये क्या करा जाए फाइंड आउट हु योर रेलेटिव सबसे पहले तो अपने बच्चों को अपने सारे रिश्तों के बारे में बताएं आपको खुद पता होना चाहिए उन सब के एड्रेस बुक में नंबर होने चाहिए आपके फोन में अक्सर तो ये होता है कि हम कहते हैं हाँ वो मेरा रिश्तेदार है लेकिन मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर ही नहीं है तो अब मैं उससे कैसे मिलूं कैसे कांटेक्ट करूं जबकि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो अपडेट योर एड्रेस बुक विद देयर नंबर्स स्टार्ट ब्रेकिंग द आइस बहुत से लोग हैं जिनसे आप बहुत अरसा हो जाता है मुलाकात नहीं कर पाते कुछ दूसरे मुल्कों में रहते हैं उसका तरीका क्या होता है सपोज कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ है आप उसे अपने घर बुला रहे हैं आप अपने सब रिश्तेदारों को उस दावत में बुला लें कि इससे आके मिल लो क्योंकि ये दूसरी जगह से आया है तो आप भी मिल रहे हैं आप दूसरों को भी मिलवा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है मैंने ये चीज नोट की है कि हमारे बुजुर्ग इस काम को बहुत किया करते थे और उनके रिस्क में इसीलिए इतनी बरकत होती थी कि वो बड़ी बड़ी दावतें कर लेते थे कई-कई लोगों को बुला के खाने खिलाते थे और फिर भी रिस्क हमेशा रहता था छोटे-छोटे घरों में बड़ी-बड़ी दावतें हुआ करती थी सबको मिलाते थे बी द इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ द फैमिली पिकनिकस और गैदरिंग्स इस टाइप की गैदरिंग्स या एक पिकनिक या अरेंज कर ली कुछ इस तरह का कुछ करें कि जिससे लोग जुड़ें मुझे याद है लॉकडाउन के जमाने में एक सोशल मीडिया के ऊपर जब सब लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते थे किसी ने एक वर्चुअल गैदरिंग रखी थी और उसमें सारी फैमिली जो है वो उस वर्चुअल गैदरिंग में कनेक्ट होती है और सब लोग जो है वो अपना अपना कोई टैलेंट शो की तरह अपना टैलेंट उसमें सुनाते हैं बताते हैं दिखाते हैं और सारी फैमिली जो है वो उसको इंजॉय करती है इस तरह के काम करना आज क्या मुश्किल है हम जिस टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं वहां रिश्तों को जोड़ना भी आसान हो गया असल चीज है हमारी अना जिसे हमें कुर्बान करना होगा ट्राई टू रिजोल्व ओल्ड इशूज रिजोल्व दैम फॉर्मली आइडियली थ्रू अ सीनियर मेम्बर जहां पे लगे कि फला रिश्ता काट के बैठा हुआ है वहां आप पे फर्ज है कि आप उन दोनों को बीच में जोड़ें और इसके लिए झूठ बोलना भी जायज है हमने झूठ की क्लास में वो जो कंडीशंस पढ़ी थी ये दो लोगों के बीच में अगर सुलह कराना है आप झूठ भी बोल सकते हैं एक के घर जाके कहें ये नहीं जिस बात पे तुम नाराज हो ऐसा कुछ था ही नहीं दूसरे से भी जाके यही कहें उनकी सॉल्व करें इश्यूज को ये नहीं कि भाई मैं तो सबसे मिलती हूँ फला फला से नहीं मिलता नहीं आपने जाके उनको जोड़ना है हेल्प देम एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस कोई आपसे नाराज बैठा है जहां उस पर कोई परेशानी है उस दिन सबसे पहले आप जाए देखें उसका दिल पिघल जाएगा सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी ये बेस्ट मोमेंट होता है रिश्तों को नाराजगियों को खत्म करने का और इसके लिए ये हदीस आती है कि आप वसल्लम ने फरमाया शेल आई नॉट इनफॉर्म यू ऑफ समथिंग मोर एक्सलेंट इन डिग्री देन फास्टिंग प्रेयर आर्म्स गिविंग यानी इन सबसे बढ़ के अगर अजर किसी चीज का है रोजा रखना नमाज पढ़ना सदका करना क्या है वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेट इट इज पुटिंग थिंग्स राइट बिटवीन पीपल स्पॉइलिंग दैम इज द शेवर लोगों के बीच में सुलह करा देना रिकनसाइल करा देना रिश्तों को जोड़ देना नमाज रोजे सदका इन सब से अफजल अमल तो कितनी खूबसूरत ये बात है और कितनी ही खतरनाक वो हदीस थी कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है तो ये बहुत नाजुक मामला है यहीं पे ख़त्म करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह कबीरा से बचाएं हमेशा इस गुनाह कबीरा से बचाएं जो लोग कर रहे हैं आज ही कुछ ना कुछ प्लान करें कुछ सोचें कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो जो रिश्ता है अगर बहुत ख़तरनाक लेवल पे है तो उसको सलाम के लेवल पे ले आएं और अगर ख़तरनाक लेवल पे नहीं है तो अपनी अना को ख़त्म कर दें और आज ही कोई ऐसी चीज़ सोचें जिससे आप अपने नाराज़ रिश्तेदारों को मना लें इन यहाँ ख़त्म करते हैं, सुबहना कामदीका नशुअर का नब्लाम वरमी वर्क